चलो ताली बजाओ। कोहरा छाया ओस गिरी, कोहरा छाया ओस गिरी, जाड़े से जनवरी बड़ी, जाड़े से जनवरी बड़ी, दिन छोटे हैं रात बड़ी, दिन छोटे हैं रात बड़ी, दिन छोटे रात बड़ी, फूल लिए फरवरी खड़ी, फूल लिए फरवरी खड़ी, तेज हुई सूरज की टार, तेज हुई महुआ से महका है मार, गांव गली तपते खपरेल, आग लगाता है अप्रैल, लाया धूल पसीना रे, मारे मई महीना रे, तेज बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून, वर्षा लेकर आई है, वर्षा लेकर आई है, कितनी सुखद जुलाई है, कितनी सुखद जुलाई है, नाचे मयूरा होकर मस्त, नाचे मयूरा होकर मस्त, लाया झूले लिए अगस्त, लाया झूले लिए अगस्त, इंद्रधनुष है अंबर में, इंद्रधनुष है अंबर में, मौसम मुदित सितंबर में, मौसम मुदित सितंबर में, पेड़ों ने पत्ते झाड़े, पेड़ों ने पत्ते झाड़े, अक्टूबर के पिछवाड़े, अक्टूबर के पिछवाड़े, देखो लगा कांपने बंदर, देखो लगा कांपने बंदर, लाया चितूरा लिए नवंबर, लाया चितूरा लिए नवंबर, धूप लगे अब तो सुंदर, धूप लगे अब तो सुंदर, खत्म साल आ गया दिसंबर, खत्म साल आ गया दिसंबर। संज भी एन कर दे, समी नहीं करूँ मैं वतन। आपकी कार्य शैली को शब्दों में बयां कर सकूं, ऐसे ऐसा तो शब्द समूह संभव ही नहीं है। वर्दी में आपने जो काम कर दिखाया है उसने मेरे जैसे कई युवाओं को बहुत कुछ सिखाया है। धन्य है ऑपरेशन स्माइल के भाग्य हमारे जो आज आप पधारे। अधिकारी हैं आप, सच्चे जनसेवक हैं आप, ये सब दिखता है आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व में, चाहे वो जन सुनवाई या कोई अन्य कार्रवाई। धन्य है ऑपरेशन स्माइल के भाग्य हमारे जो आज आप पधारे। मेरा भारत बदल रहा है। ठीक जी मैम।
बांट रही है अम्मा सबको घर भर थाली, झूम झूम कर रस्ते गाते, दौड़ दौड़ कर जीत चलाते, इस स्टेज में इन लोगों ने आपस में जुड़ करके एक नेटवर्किंग करके यूपी के बच्चों को ये हर इतवार लगभग 3 से 4 घंटे उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे न सिर्फ उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो बल्कि उनका जो खेल खेल में उनका जो सीखने का और एक समाज के साथ में एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ में सामने आने का, लोगों से बात करने का एक नज़रिया विकसित हो सके, इस दिशा में ये लोग प्रयास कर रहे हैं। नाम इन्होंने इसको ऑपरेशन स्माइल दिया है और बड़ी सार्थक पहल है। और सबसे अच्छी बात है कि सामान वगैरह देना फिर भी कई लोगों के लिए सहज होता है, लेकिन नियमित रूप से समय देना किसी भी कॉज के लिए और विशेषकर ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए जो जिनको सामान से ज़्यादा मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत है, उनको एक विश्वास की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। और संजय का जो ये आइडिया था, जो मुझे जानकारी लगी कि ये खुद भी एक ऐसे एनवायरनमेंट से निकले थे जहाँ इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, उस चीज़ को उन्होंने भूला नहीं है। सर्विस में आने के बाद भी अपने परिवार की तमाम जवाबदारियों के बाद भी उनके और उनके जैसे जो अन्य युवा हैं वो इस बात को ध्यान रखने हैं कि जो संघर्ष उन्होंने किया, जो आवश्यकताएं उनको उस समय लगी, स्पेशली जो गाइडेंस उनको चाहिए था जो शायद उनको उस तरीके से नहीं मिल पाया, उससे दूसरे बच्चे वंचित नहीं रहे, उनको वो सहयोग मिल सके, उनको वो एक मजबूती मिल सके। सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत प्रॉमिसिंग हैं, कोई भी बच्चा बहुत प्रॉमिसिंग होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, सिर्फ उसको एक सही दिशा देने की शायद ज़रूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत होती है, जो ये युवाओं की टीम कर रही है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इस प्रयास की सराहना सुन करके मैं यहाँ एक तरह से खींची चली आई कि ये क्या कर रहे हैं, ये नौजवान क्या कर रहे हैं। मीडिया ने भी इस पहल को बहुत सराहा है, मैं मीडिया के भी साथियों का धन्यवाद दूंगी कि एक समाज की सार्थक पहल चाहे कितनी भी छोटी हो लेकिन उसको सही तरीके से समाज के सामने लाना, दूसरों को बताना और उस इनिशिएटिव में लोगों को जोड़ने का बहुत महती काम आप कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे लिए ये एक छोटी पहल है। हमें अपने हफ्ते भर में से 2 घंटे निकालना शायद एक छोटा काम हो, लेकिन जिस बच्चे का भविष्य एक बेहतर बनता है उसके लिए ये पूरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चरण हो जाता है, एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि उपलब्धि हो जाती है। और उसका जीवन जो शायद कहीं किसी संरक्षण के अभाव में, सहयोग के अभाव में किसी हो सकता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, उसको एक मोड़ मिल करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये संभावनाएं उन बच्चों के पास में हैं, हम सब के पास में है कि हम ऐसे इनिशिएटिव से जुड़ करके और बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकें। मैं बहुत सराहना करता हूँ।